रहे हैं कि हम कहे वो कायदा, ये बताने का जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी और उनके मानने वाले लोग जो कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई जनवरी के फर्स्ट वीक में रखा है, जो कि CGI का एक अधिकार में उन्होंने ये कहा। तो हमारा अभी, क्योंकि ये अभी करंट इश्यू रहा, अभी इस पर डिसीजन आया है, तो एक प्रकार की बहुत ही लिंक रोड चल वाड़ूज लिंक रोड जो आया है, पैठण रोड ते वाड़ूज लिंक रोड जो है, तिथे इतके हॉरिबल खड्डे आहेत आणि सेल्फी विथ पॉटहोल्स नावाचं कॅम्पेन राष्ट्रवादीने चालू केलं आहे। सुप्रियाताईंनी त्या दिवशी येताना आम्ही पैठणहून सेल्फी पण घेतले, ते पण टाकले। ते जे म्हणलं किती खड्ड्यांची सेल्फी टाकावे ना, म्हणून मी आता फेसबुक लाईव्ह केलं त्या रस्त्यावरून, तिथं एक कोट्यवधी खड्डे आहेत। 50,000 लोकांनी औरंगाबादचे ते व्हिडिओ पाहिला, त्याच्यावर रिॲक्ट झाले, टॅग केलं इथल्या कमिशनरला, PWD लोकांना, तरी तिथला एक खड्डा पण त्यांनी अजून बुजवला नाही। इतकं निर्लज्जपणाचा कळस या शहरात आहे। पिण्याच्या पाण्याचे प्रश्न तेवढंच गंभीर आहे, समांतरचा प्रॉब्लेम तेवढाच आहे। इथं फक्त काही शिवसेनेचं सरकार म्हणून आपल्याला बोलण्याचं काही गरजच नाही, हे शिवसेना भाजपचं सरकार आहे। ज्या पद्धतीने कचरा असेल, इथले खड्डे असतील, राज्य में चल रही है, चाहे लोकल में चल रही है, हमने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से 56 इंच के सीना रखने वाले ऐसा जो बोला गया, उसके 56 जवाब हमने मांगे थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से 56 सवाल रखे गए थे, लेकिन उसका कोई भी जवाब आज तक उनके कोई जिम्मेदार व्यक्ति ने नहीं दिया। इसके अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो जो बातें की गई है, जिस चाहे दुष्कार हो, चाहे भ्रष्टाचार हो या बाकी की चीज़ें थी, ये किसी भी मामले में कहीं जवाब नहीं दे पाए। और सरकार केंद्र की हो, सरकार राज्य की हो, ये पूरी तरह से फेल रही है। और जनता ने इनको आने वाले जो लोकसभा के इलेक्शन है, चाहे वो विधानसभा के इलेक्शन हो, लोकल के इलेक्शन हो, सबको इनको सबक सिखाने वाली है जनता। क्योंकि जनता जितनी त्रस्त दिखी या दिख रही है या बोल रही है, उसका जवाब जो दे रही है, वो इन लोगों ने किसी भी कीमत पे उसका इनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। चाहे दुष्काल का विषय हो, कर्ज मुक्ति का विषय हो, बाकी के जनधन का विषय हो, 15 लाख देने का विषय हो, फॉरेन से पैसे जो काला धन है उसका लाने का विषय हो, जिन जिन लोगों ने इस विषय को उठाया वो भी खामोश हैं। और मुझे लगता है कि सरकार को जवाब देना पड़ेगा आने वाले समय के अंदर, सरकार को पूछा जाएगा और सरकार हर तरह से, उसके लिए हमने ये पुस्तक जो है आज छापी है, जिसके अंदर 56 सवाल और बाकी की चीज़ों के मुद्दे पूरे रखे गए। आप ये पूरी ब्रीफ जो है सबको पत्रकारों को दिया गया है, और मैं समझता हूँ कि आप इसका उचित जो है कवरेज दे के सरकार को, सरकार को 4 साल पूरे होने जा रहे हैं 31 अक्टूबर को। ये 4 साल 1460 दिन में राज्य की सरकार ने जनता के साथ, जनता के भावनाओं के साथ, जनता को जो आश्वासन दिए थे उसके साथ खिलवाड़ किया है। ये सरकार अपयशी, असुरक्षित और अशांत वातावरण निर्माण करने का काम कर रही है। इन्होंने समाज में तेढ़ निर्माण करने का काम किया, जनता के प्रश्नों को गौर न करते हुए दूसरे विषयों पर ज़्यादा काम करने का काम किया उन्होंने। जहाँ पर भीमा कोरेगांव का हमने देखा इशू, औरंगाबाद में जो राइट्स हुए उसको देखा हमने, तो एक प्रकार से वेलफेयर प्रोग्राम को न करते हुए सिर्फ और सिर्फ एक समाज में किस तरह तेढ़ निर्माण किया जा सकता है और लोगों को किस तरह गुमराह कर किया जा सकता है, इस पर इस सरकार ने काम किया है। हम इसका विरोध करते हैं और हम 56 सवाल हमने इस 56 छाती वाले प्रधानमंत्री जी से पूछा है। हमें अपेक्षा है कि ये हमारे सवालों का जवाब देंगी। और ये असफल निष्क्रिय सरकार अपने 2019 में आने वाले वक्त में अपनी जगह, अपने घर वापस जाएगी।